देश का नाम भारत और इंडिया को लेकर राजनीति का संग्राम जारी है। बड़ी खबर, अब कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का दावा, G20 डिनर को लेकर राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह बड़ा दावा किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह निमंत्रण पत्र जो भेजे गए हैं राष्ट्रपति की ओर से G20 डिनर के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो देश के नाम को लेकर यह नया संग्राम है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी के सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, संविधान से इंडिया शब्द हटाने की उन्होंने भी बात कही है। इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया। मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था देश का नाम इंडिया नहीं भारत बोलिए। सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। आम आदमी पार्टी ने नाम को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत करती है, संविधान क्यों बदलना चाहती है बीजेपी, सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और इस देश के करोड़ों दलितों से नफरत करती है। भागवत जी से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है? जो उन्होंने संविधान में लिख दिया, पहली धारा के रूप में लिख दिया, आप उसको बदलना चाहते हैं? कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है इंडिया नाम, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो हम इस पर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इंडिया साइनिंग का नारा दिया था वो गुलाम थे किसी के? अटल जी किसी के गुलाम थे? इंडिया साइनिंग का नारा पूरी बीजेपी ने जोर शोर के साथ दिया था तो वो सारे लोग भाजपाई गुलाम थे? किसके गुलाम थे भाई, पूछिए भाजपाइयों से। राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि शाइनिंग इंडिया उनकी भी एक भूल थी, तो मेक इन इंडिया किसकी भूल है, डिजिटल इंडिया किसकी भूल है, स्टार्टअप इंडिया किसकी भूल है, ये बताना चाहिए राजनाथ जी को। आपको लगता है कि आपने जो अपना गठबंधन बनाया उसका नाम इंडिया रख दिया, इस वजह से अब इसको हटाने की घबराहट का कारण है ही है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आपके मन में जो नफरत है, घृणा है, उसके कारण से आप भारत का संविधान ही बदलने जा रहे हैं। बातचीत के लिए तो संजय सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने की कवायद की जा रही है, जिस पर कहीं ना कहीं लोग नाराज होंगे और इसका विरोध भी किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।